आज से पूरे 22 दिन 12 में से 4 राशि वाले जातकों के लिए एक ऐसा योग डिग्री वाइज स्थिति में निर्मित होने जा रहा है जो करकर रहेगा आपके ऊपर धन की बौछार। जी हां, 4 राशि वाले जातकों के लिए ये पावरफुल योग धन से संबंधित समस्याओं से दिलाकर रहेगा आपको निजात। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम उन 4 महाभाग्यशाली राशियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें एक नहीं 2 ग्रह मिलकर 22 दिनों में एक श्रेष्ठ रूप से धन संबंधित स्थितियों का देने जा रहे हैं आशीर्वाद। आप सभी लोगों को पता होगा वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव इन दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है, किंतु अब देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों ही डिग्री वाइज पावर में आ चुके हैं। और मैं सदैव कहता हूं कोई भी ग्रह 100% आपको रिजल्ट तब देता है जब वो खुद डिग्री वाइज बलाबल में आ जाए। यहां देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों ही ग्रह डिग्री वाइज पूर्ण रूप से युवा अवस्था के अंदर आ चुके हैं और 27 जून तक जो दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है मीन राशि में, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 4 राशि वाले जातकों के लिए ये दोनों ग्रह मिलकर धन से संबंधित स्थितियों में देने जा रहे हैं आपको एक बड़ा लाभ। समझने की बात सिर्फ इतनी रहेगी, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव इन दोनों का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो एक एक शब्द जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये निश्चित रूप से आपके जीवन में 22 दिनों के अंदर ही करते हुए पाए जाएंगे एक बड़ा बदलाव। साथ ही आपको बता दूं ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। तो पहली राशि, जिस राशि के लिए मंगल देव और देवगुरु बृहस्पति एक धन के कारक, एक ऊर्जा के कारक और गुरु के चरणों में शिष्य मंगल की स्थिति का योग, कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन संबंधित स्थितियों में अद्भुत लाभ देने जा रहा है। भाग्य स्थान के ऊपर यहां दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है जो कि देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर भाग्य में विराजित हैं और मंगल देव आकस्मिक लाभ और कर्म भाव के स्वामी होकर भाग्य में संचरित हैं और डिग्री वाइज पूर्ण रूप से बलवान हो चुके हैं, तो ये दोनों ग्रह आपके लिए भाग्य का साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। धन से संबंधित जितने भी रुके हुए कार्य हैं, किसी के पास पैसा अटका हुआ है, आपको किसी से पैसा लेना है या आपको लोन वगैरह लेना है नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ कारणों में जहां सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आती है धन की, उस स्थिति को 22 दिन में आपके चरणों में लाकर रख देंगे ये दोनों ग्रह, क्योंकि डिग्री वाइज बलवान हो चुके हैं, पावरफुल स्थिति बन चुकी है, अद्भुत रूप से लाभ देते हैं। निवेदन ध्यान रखिएगा, दोनों ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होने चाहिए, 6-8-12 में ना हो। मंगल और गुरु नीचस्थ अवस्था में नहीं है, अद्भुत रूप से देखने को मिलेंगे धन संबंधित, भाग्य संबंधित विशेष रूप से आपको लाभ। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव डिग्री वाइज बलाबल होकर पावरफुल लाभ देते हुए आपको पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव लग्न के स्वामी होते हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव आकस्मिक लाभ के स्वामी होते हैं और ये वो स्थिति को निर्मित करने जा रहे हैं जो कि 22 दिन तक निरंतर कुछ इस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में प्राप्त हो जो आपको धन संबंधित स्थितियों में परिपूर्णता बनाए, आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनाए, आपकी आय में बहुत अधिक और तेजी से वृद्धि करती हुई पाई जाए, धन से संबंधित जीवन में चल रही समस्याओं को रिमूव कर और धन संबंधित स्थितियों में जो उलझने बनी हुई है वो आपके पक्ष में लाकर खड़ी कर दे। इसी प्रकार का डिग्री वाइज बलाबल होकर बन रहा है ये पावरफुल योग। देवगुरु बृहस्पति और मंगल की स्थिति यदि आपकी कुंडली में बलवान है, एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, इन 22 दिनों को अवश्य रूप से चेक कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिले हैं। अगली राशि, जिस राशि के लिए अद्भुत रूप से धन की वृद्धि तो करने जा ही रहे हैं, साथ ही करते हुए पाए जाएंगे भौतिक सुखों में वृद्धि।
वह राशि होगी मित्रों धनु राशि। जी हाँ, धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न और सुखेश हैं, सुख के स्वामी हैं, तो वहीं मंगल देव आपकी कुंडली में पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं, और अभी इनकी युति बनी हुई है आपके चतुर्थ भाव में। ये एक अद्भुत संयोग है, और जब दोनों ही ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में आकर एक पावरफुल शक्ति का योग संचरण करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए अद्भुत रूप से एक्टिवेशन लाएंगे धन संबंधित स्थितियों में, भौतिक सुखों में वृद्धि कारक स्थिति के स्वरूप में, कर्म क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के स्वरूप में, और अर्निंग सोर्सेज में एकदम से अचानक वृद्धि का योग बनाए। कोई बड़ा टेंडर आपको मिल जाए, कोई जॉब में प्रमोशन मिल जाए, व्यापारियों को एकदम से कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, इस प्रकार की स्थितियों को आपके जीवन में निर्मित करने जा रहे हैं। अद्भुत ये योग है। निवेदन सिर्फ एक है, देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं, ये 22 दिन आपके लिए निश्चित रूप से होकर रहेंगे यादगार। और अंतिम चौथी राशि, जिस राशि के लिए ये पावरफुल योग करने जा रहा है एक बड़ा कमाल, वह राशि होगी मित्रों मीन राशि। जी हाँ, मीन राशि वाले जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होते हैं, कर्मेश होते हैं, और मंगल देव आपके भाग्येश और धनेश हैं। इन दोनों का संगम जो हुआ है, और अब से 22 दिन तक जो डिग्रियों का खेल आपके साथ में खेलेंगे, धन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ स्थिति बना देंगे, भाग्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ स्थिति बना देंगे, आपके व्यक्तित्व को ज्ञान रूपी रूप में निखारकर एकदम से समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ देते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि, दैनिक रोजगार में वृद्धि, और भाग्य का इस कदर साथ देंगे, जहां आप हाथ डालेंगे वहां से निकलकर आएगी सफलता। निवेदन सदैव जो मैं आपसे हमेशा करता हूं, वीडियो को देखते समय में आप इस बात को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा फल तब देगा जब उसका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा होगा। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में, मंगल देव और देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है, शत प्रतिशत 22 दिन आपके लिए रहने वाले हैं यादगार। तो ये है वो चार राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए ये दोनों पावरफुल ग्रह अपना दिखाने जा रहे हैं कमाल, और निश्चित रूप से करते हुए पाए जाएंगे इन 22 दिनों में धन की बौछार। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।